अब हम 5 नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको लिख सकते हैं LHS, LHS तो ये हो जाएगा 1 प्लस से के बट्टा में से के, तो इसको लिख सकते हैं से का फॉर्मूला होता है, तो से का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा cos ए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बट्टा cos ए, इसको लिखेंगे 1 बट्टा cos ए, तो इसको लिख सकते हैं बट्टा पर का जोड़ cos ए प्लस में 1 बट्टा cos ए, इसको भी लिखेंगे 1 बट्टा cos ए के। अब क्या करेंगे, इसको पलटी मार देंगे, तो cos ए प्लस में 1 बट्टा में cos ए गुना हो जाएगा, cos जाएगा ऊपर में, cos ए बट्टा में 1 cos से cos कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे, 1 प्लस cos ए बट्टा में 1। अब इसका परिमार्जक करना है तो क्या करेंगे, प्लस में है तो माइनस का चिन्ह लेंगे, तो 1 प्लस cos ए, तो ये प्लस में चिन्ह है तो क्या करना है, परिमार्जक कर माइनस में चिन्ह लेंगे, 1 माइनस cos ए बट्टा में लिख सकते हैं 1 माइनस cos ए, ऊपर ऊपर से गुना कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 माइनस cos के cos से, तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर, तो बट्टा में लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस cos ए। अब इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos² रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं sin² ए, तो इसको लिख देंगे sin² ए बट्टा में 1 माइनस cos ए, हो गया प्रूफ। अब हम जो है 5 का 5वां नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं LHS, तो लिखेंगे cos ए माइनस में sin ए प्लस में 1 बट्टा में cos ए और प्लस में sin ए माइनस में 1, ये है, इससे हमको ये प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे, इसको परिमार्जक कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, तो इसको एक बार और लिख देते हैं, cos ए माइनस में sin ए प्लस में 1, तो cos ए प्लस में sin ए माइनस 1। अब इसको क्या करना है, गुना कर देंगे, ये ऊपर जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम cos ए प्लस में sin ए, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा sin ए, तो इसको लिख सकते हैं cos ए, तो cos ए नीचे वाला है माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा cos ए प्लस में sin ए प्लस में 1। अब क्या करना है, ऊपर ऊपर से गुना करेंगे, नीचे नीचे से गुना करेंगे, तो cos और sin क्या है, sin प्लस में है तो cos 1 प्लस में है, तो इसको लिख सकते हैं cos ए प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस में 1 प्लस में, यहाँ sin प्लस में sin माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं sin² है, तो इसको लिख सकते हैं, अब क्या करेंगे, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसको लिख देंगे cos² ए प्लस में sin² ए का होल स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो cos² ए प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 cos ए माइनस में sin² ए, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, तो इसको भी लिख सकते हैं cos² ए प्लस में sin² ए प्लस में 2 cos sin θ, तो लिख सकते हैं 2 cos A इंटू साइन ए टू साइन ए माइनस में 1, ठीक है, तो यहाँ भी एक फार्मूला बैठेगा, यहाँ भी एक फार्मूला बैठ जाएगा, फार्मूला बैठ जाएगा, तो cos 2θ का फार्मूला होता है। अब जो है यहाँ पर बैठाएंगे कितना, 1 माइनस sin², तो इसको लिख देंगे cos² ए प्लस में 1 माइनस sin² रहेगा, तो इसको भी लिख देंगे, इसको भी लिखेंगे cos² ए प्लस में 2 cos A, और नीचे में हो जाएगा cos² sin² का मान 1 हो जाएगा, प्लस में 2 cos A इंटू में sin ए माइनस 1, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, 1 से 1 कट जाएगा, और cos² और sin² का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, पहले इसको cos² से इसका मान जो है 2 2 जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 cos² ए
प्लस में टू कॉस ए, तो ये जो हो जाएगा टू कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसमें से दो कॉस कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, दो कॉस कॉमन लेंगे तो टू कॉस ए, इधर बच जाएगा एगो कॉस ए या प्लस में वन, नीचे में हो जाएगा टू कॉस ए इंटू में साइन ए, तो दो कॉस से दो कॉस कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस में वन और बट्टा में हो जाएगा साइन ए। तब इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं, कॉस ए बट्टा में साइन ए या प्लस में वन बट्टा में साइन ए, तब कॉस बट्टा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए होता है, और वन बट्टा साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक ए। अब इसको सीधा लिख देंगे तो कॉस एक ए आ प्लस में कॉट ए, तो हो गया प्रूफ कंप्लीट।